स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे, स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसमें हम लोगों ने पहला केस था हमारा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन का, जो उन्होंने कल सॉल्व किया था। उसमें अनबैलेंस में आपको पता है कि जैसे हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इसका? इसमें जहाँ भी हमारी डिफिशेंसी होती है रो या कॉलम में, यानी डिमांड या सप्लाई में, हम लोग एक डमी कॉलम या डमी रो ऐड कर देते हैं विथ जीरो कॉस्ट। जैसे हम लोग जीरो कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो जो हमारी डेफिशिएंसी थी रो या कॉलम में या डिमांड और सप्लाई में, तो वो फुलफिल हो जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बैलेंस्ड। उसके बाद हमारे पास पांच मेथड है, उन पांचों मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? और अगर हमसे पूछा गया कि फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद मोदी मेथड ऑल्सो। तो एक केस हमारा कल हो गया था, आज हमारा नेक्स्ट केस है जिसको हम लोगों ने, मैंने कल क्वेश्चन दिया भी था आपको, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है हमारा रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कल हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा था, वो ये था कि एक क्वेश्चन में बोल रहा है कंपनी हैज ए फैक्ट्रीज एट फोर डिफरेंट प्लेस विच सप्लाई वेयर हाउस ए बी सी डी एंड ई। मंथली फैक्ट्री कैपेसिटीज आर 200, 170, 150, 350 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। मंथली वेयर हाउस रिक्वायरमेंट्स आर 110, 90, 120, 230, 160 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। द यूनिट शिपिंग कॉस्ट आर गिवन इन द टेबल इज गिवन बिलो। ये आपकी टेबल दी हुई है। अब देखो इसमें जहाँ पर आपका ये डैश लगा हुआ है, इस डैश का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है, राइट? कई बुक्स में यहाँ पे डैश होगा, कई जगह यहाँ पे दे रखा होगा आपको इनफाइनाइट, यानी कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, राइट? तो ये इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें बस यहाँ पे एलोकेशन नहीं देना है, इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे पास कॉस्ट दी हुई है वहाँ पे हम लोग उसको एलोकेट कर सकते हैं, राइट? इसमें बस यही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें बाकी जो प्रॉब्लम हमारी सेम जो हमने बाकी केस कर रहे हैं वैसे ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है? तो हम लोगों को इसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉस्ट आ रही है वो हमें ऑप्टिमल कॉस्ट निकालनी है। दैट मीन्स हम लोगों को मोदी मेथड इसमें अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो चेक द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारी डिमांड सप्लाई है उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर ऊपर बगल में से हम लोग लिखते हैं। देखिए इस तरह से कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिमांड और सप्लाई। तो अब मैं इसको सम करूंगा कि मेरी डिमांड और सप्लाई इक्वल है या नहीं है। तो चेक करिए आप लोग, इक्वल आ रही है नहीं आ रही है बताइए मुझे। जैसे कुछ मैंने कल दे रखा है तो मैं सलून कर रखा होगा, ये प्रॉब्लम आपकी अनबैलेंस्ड है, यानी यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो थोड़ी सी शॉर्टेज है, उसमें 140 का डिफरेंस आ रहा है। ये दोनों सम होने चाहिए आपके 850, राइट? तो एक मैंने डमी रो इसमें ऐड कर दिया है, एक मिनट होल्ड रखिए। तो ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया है। फर्स्ट स्टेप था कि मैं बैलेंस चेक कर ली कि प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है, यानी कि हमारी जो डिमांड और सप्लाई है दोनों का सम इक्वल है, जो कि हमारा आ रहा है 850, राइट? तो मैंने क्या करा है, इसमें एक डमी कॉलम ऐड किया है विद जीरो कॉस्ट। अगर सिमिलरली मेरा अगर रो में डिफरेंस आती है तो मैं एक डमी रो ऐड करता यहाँ पर और उसमें लिखता सेम ऐसे ही जीरो कॉस्ट, ठीक है? उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है इसमें। अब मेरे पास जो नॉर्मल मेथड्स हैं, मैं उनसे किसी भी मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो, रो मिनिमा हो, कॉलम मिनिमा हो, लीस्ट कॉस्ट हो या फिर वैम हो, ठीक है? तो इसमें मैंने क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर दिया कि आपको ये मेथड वैम यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए, राइट? तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, जैसे अभी मेरी बात चली बच्चे से, उसने कहा कि वैम में कॉस्ट कम आ रही है एलसीएम के कंपेरिजन में, सॉरी ज़्यादा आ रही है। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका ये वैम मेथड है हमेशा आपको सोल्यूशन ऑप्टिमल ही देगा। पांचों मेथड है, पांचों मेथड से आपकी अलग अलग कॉस्ट आ सकती है, और जरूरी नहीं कि आपकी जो वैम है या एलसीएम है हमेशा आपको ऑप्टिमल कॉस्ट दे। बट कंपेरेटिवली देखा गया है कि ये दोनों बेस्ट मेथड हैं। जब आप मोदी मेथड लगाओगे तो आपके इटरेशन कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर मेथड, ठीक है?
हम स्टार्ट करते हैं इसको वेरी फर्स्ट स्टेप से। पहला स्टेप क्या होता है, टू फाइंड आउट द पेनल्टी। पेनल्टी क्या होती है कि आपको हमेशा रो या कॉलम वाइज निकालनी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट और उससे नेक्स्ट बड़ी कॉस्ट का डिफरेंस। तो आप देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो से, S1 से। अब इस S1 में देखो सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। इसी और इस मैंने आपको बताया था कि कई जगह यहाँ पे मैंने यहाँ पे M लिख दिया है, कई जगह यहाँ पे इनफाइनाइट भी लिख देते हैं, वो एक ही मतलब है, यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी एलोकेशन नहीं देना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और जैसे हम लोग पेनल्टी निकालेंगे तो पेनल्टी में भी हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है और हम डिफरेंस निकालते हैं स्मॉलेस्ट कॉस्ट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपकी जीरो सबसे छोटी वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, एट। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, फर्स्ट पेनल्टी में आ जाएगा P1 में 8। सिमिलरली जो हमारी सेकेंड रो है वहाँ देखो स्मॉलेस्ट कॉस्ट जीरो ही रहेगी और उससे बड़ी जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी हमारी 6। तो यानी डिफरेंस बन जाएगा मेरा 6 - 0 = 6, राइट। उसके बाद जो मेरी अगली रो है उसमें स्मॉलेस्ट कॉस्ट जीरो है और उससे बड़ी कॉस्ट दिख रही है मुझे 11। तो यानी कि 11 - 0 ये बन जाएगा डिफरेंस 11। आफ्टर दैट फोर्थ रो में देखिए स्मॉलेस्ट कॉस्ट जीरो है, उससे बड़ी कॉस्ट दिख रही है मेरे को 13, तो क्या बन जाएगा, सॉरी 10। तो 10 - 0 ये बन जाएगा 10, राइट। तो ये मैंने रो वाइज सारी पेनल्टीज निकाल ली। अब मैं निकालूंगा कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में आ जाते हैं, फर्स्ट निकालते हैं पेनल्टी P1, यानी कि इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है 10 और उससे बड़ी वैल्यू दिख रही है मेरे को 13। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 30 - 10 यहाँ लिख दूंगा मैं 3। सिमिलरली सेकेंड कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 9 और उससे बड़ी वैल्यू दिख रही है मेरे को 11। तो डिफरेंस आ जाएगा 11 - 9 2। नेक्स्ट कॉलम जो दिख रहा है मेरे को उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 12 और उससे बड़ी वैल्यू दिख रही है 13, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा मेरा 1। फोर्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 और उससे बड़ी वैल्यू दिख रही है 8, तो डिफरेंस आ जाएगा 8 - 6 = 2। आप लोग इसको पहले ही करते रहिए साथ में, ताकि आप चेक कर लो कहाँ गलती कर लो। ठीक है, अब जो मेरा D5 कॉलम है इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है 15 और उससे बड़ी वैल्यू, सॉरी स्मॉलेस्ट 10 है उससे बड़ी 15, तो 15 - 10 = 5। और लास्ट में जो फोर्थ फिफ्थ कॉलम सिक्स्थ कॉलम है इसमें सबसे छोटी कॉस्ट जीरो है और बड़ी कॉस्ट भी हमारी जीरो ही है, क्योंकि सारी हमारे यहाँ पे जीरो की कॉस्ट जीरो ही है। तो यानी कि इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 0 - 0, यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया है। ठीक है, तो अब फर्स्ट इटरेशन के बाद अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी आपको पेनल्टी दिख रही है वो कौन सी है, बिगेस्ट पेनल्टी इज 11, राइट। तो इसका काम बस यही होता है कि मेरे को पेनल्टी मिल जाती है तो उससे मुझे ये हेल्प हो गई कि मुझे अब इस रो में ही जाके एलोकेशन करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि इस रो में मुझे चूज करनी सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट कॉस्ट जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है मुझे यहाँ पे 0। तो 0 पे मैं देखूंगा कि डिमांड कितनी आ रही है, सप्लाई कितनी है। डिमांड देखिए यहाँ पे 140 की आ रही है, सप्लाई कितनी है 150 की। तो यानी कि मैं मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो कितना कर सकता हूँ यहाँ पर, 140 कर सकता हूँ। मैंने 140 दिया यहाँ पर, ये 140 देते ही यहाँ मैं कर दूंगा 0 और यहाँ बच जाएगा 10। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे 0 हो जाता है हम लोग एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें याद रहे इसको हमें आगे आप कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है, और छोटा सा यहाँ पे एक डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट नेक्स्ट पेनल्टी P2। अब P2 में हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप रिपीट करना है, छोटी कॉस्ट और उससे बड़ी कॉस्ट। अब देखिए फर्स्ट रो में स्टार्ट करते हैं S1 से। पहले हमारे पास 0 थी जो कि अब कट चुकी है, तो उससे बड़ी कॉस्ट क्या दिख रही है मेरे को, 8 दिख रही है। 8 से बड़ी कॉस्ट क्या है 13, तो 13 - 8 डिफरेंस इज 5, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट रो है मेरे पास वो देखिए S2, इसमें स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है, अब जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो 6 है और उससे बड़ी जो वैल्यू है वो है 9, यानी कि 9 - 6 डिफरेंस इज 3। सिमिलरली थर्ड रो में आ जाइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 11 एंड उससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 12, तो डिफरेंस आ जाएगा 12 - 11 = 1। ठीक है, चेक करते रहिए आप लोग भी। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वहाँ पे देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है 13 और उससे बड़ी वैल्यू क्या है, सॉरी 10 है उससे बड़ी वैल्यू क्या है 13, तो 13 - 10 ये आ जाएगा डिफरेंस आपका 3, राइट। अब हम लोगों ने रो वाइज कर लिया है, फिर से करेंगे कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 उससे बड़ी वैल्यू 13, यानी डिफरेंस आ जाएगा हमारा 3 का, राइट। फिर आ जाइए सेकेंड कॉलम में आ जाइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू अभी भी हमारी 9 है और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 11, तो डिफरेंस हमारा क्या रहेगा यहाँ पर 2 ही रहेगा। थर्ड कॉलम में आ जाइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी क्या है 12,
उससे बड़ी क्या है, 13, डिफरेंस यानी कि 1 आ जाएगा, 13 माइनस 12 1। फोर्थ कॉलम में देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है, उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 6 डिफरेंस इज 2। फिफ्थ कॉलम में आ जाइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हमारे पास है, 10, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 15, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 का। ठीक है, तो अब स्टेप टू में हमारे पास सारी पेनल्टीज आ चुकी है, अब चूज करनी है सबसे बड़ी पेनल्टी। बिगेस्ट पेनल्टी हमारे पास दो आ रही हैं, एक 5 यहाँ पर आ रहा है और एक 5 यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे हमारे पास पेनल्टीज में टाई होता है तो आपको मैंने बता रखा है हम लोग किस तरह से चूज करते हैं, तो बच्चा बताएगा सर, जिसमें मिनिमम होगा कोई वैल्यू। मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तुम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारी मिनिमम कॉस्ट कौन सी मिल रही है। अगर मैं ये वाला 5 चूज करता हूँ तो सबसे छोटी कॉस्ट जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे 10, और अगर मैं ये वाला 5 लेता हूँ तो मुझे मिलेगी 8, यानी कि 10 और 8 में छोटी कॉस्ट क्या है, 8 है, तो हम लोग चूज करेंगे 8। जैसे कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारी स्मॉलेस्ट कॉस्ट भी सेम आ रही थी, तो हम लोग फिर कहते हैं मैक्सिमम एलोकेशन पे, कि मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट छोटी मिल गई तो हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे यहीं से 8 से। तो बस हमारा 8 एलिमेंट चूज कर लेते हैं और देखते हैं डिमांड कितनी आ रही है। डिमांड हमारे पास 230 की है, सप्लाई कितनी है 200, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 200 ही मैक्सिमम एलोकेट कर सकते हैं। तो 200 यहाँ पे देंगे एलोकेशन, 200 दिया यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऐसे डिमांड देते ही 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपके पास 30। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे डिमांड सप्लाई जो भी 0 होता है वहाँ पे एक डैश लगा देते हैं और एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि इसको मैं अब आगे ट्यूशन में यूज नहीं कर रहा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा स्टेप टू। नाउ वी विल फाइंड आउट पेनल्टी P3। P3 के लिए वही सेम काम करना है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट और उससे बड़ी कॉस्ट का डिफरेंस। अब चूंकि फर्स्ट रो हमारी खत्म हो चुकी है, हम स्टार्ट करेंगे सेकंड रो से। अब देखो तो छोटी कॉस्ट क्या देख रही है आपको, 6, और उससे बड़ी कॉस्ट क्या है, 9, तो डिफरेंस आपका क्या रहेगा यहाँ पर, 3। थर्ड रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या दिख रही है आपको, स्मॉलेस्ट कॉस्ट है 11, और उससे बड़ी कॉस्ट क्या है, 12, तो डिफरेंस क्या रहेगा हमारे पास, 1। ऐसी फोर्थ उसमें आ जाइए, सबसे छोटी वैल्यू क्या हमारे पास है, 10, और से बड़ी क्या है, 13, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। ऐसी अब कॉलम वाइज आ जाओ, इसमें देखिए सबसे पहले हमारी छोटी वैल्यू क्या थी इसमें, 10, और उससे बड़ी जो थी 13 थी, अब वो हट चुकी है तो हम लोग चूज करनी पड़ेगी 14, तो डिफरेंस कितना आएगा, 40 माइनस 10 यहाँ आ जाएगा 4। उसके बाद अगले कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 9, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 11, तो 11 माइनस 9 यानी कि डिफरेंस इज 2। अब थर्ड में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हमारे पास, 12, उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 13, डिफरेंस इज 1, राइट। अब ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलम में जो कि हमारा D4 है। D4 में सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 6 है, उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास पहले 8 थी जो कि हट चुकी है। अब मेरे पास क्या बच रहे हैं, 17 और M। अब चूंकि M को नहीं लेना है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मुझे लेना पड़ेगा 17 माइनस 6, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ कॉलम में आ जाओ, सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, अभी भी 10 है और उससे बड़ी हमारी 15 है, तो डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, यहाँ रहेगा हमारा ये रहेगा 5। ठीक है भाई, और ये हमारा 0 हो चुका है तो यहाँ पे हमें कोई भी डिफरेंस नहीं लेना। ठीक, तो अब स्टेप 3 के बाद मेरे पास जो पेनल्टीज आई हैं, सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है मेरे को 11 दिख रही है, यानी कि मुझे इस पेनल्टी को चूज करना है। इस पेनल्टी के थ्रू मैं जाऊंगा इस कॉलम में। अब इस कॉलम में मुझे क्या देखना है, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। मेरे पास 3 कॉस्ट है, 6, 17 और m। m चूंकि बहुत बड़ी है मैंने क्रॉस लगा दिया है, इसे मुझे यूज नहीं करना है। मैं क्या यूज करूंगा, मैं करूंगा 6 और 17 में से चूज करनी है, तो 17 और 6 में छोटी कॉस्ट क्या है, 6 है। अब मैं देखूंगा 6 पे डिमांड कितनी आ रही है, डिमांड 30 आ रही है, सप्लाई कितनी है, 175, यानी कि जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 मैक्सिमम एलोकेशन यहाँ पर पॉसिबल है, तो मैं यहाँ 30 कर दूंगा। 30 मैंने जैसे किया यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 175 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 145। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे थर्ड इटरेशन, 0 हुआ, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दो ताकि आपको याद रहे कि हमें आगे क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। अब इस इटरेशन को थोड़ा डैश लगा दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है हमारा, स्टेप 4 में हम लोग फिर से निकालेंगे पेनल्टी। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हमारे सामने दिख रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 9, और उससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, 10, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। अब S3 में आ जाओ,
स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, 11 और 12, तो डिफरेंस हमारा वही रहेगा सेम 1। फोर्थ में आ जाइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 13 और सॉरी 10, और उससे बड़ी क्या है 30, तो डिफरेंस कितना रहेगा मेरे पास 3। अब आते हैं कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम में देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है आपके सामने 10, और उससे बड़ी क्या है 14, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 40 - 10 4। D2 कॉलम में देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 9 एंड बिगेस्ट वैल्यू आफ्टर दैट 9 इज 11, तो 11 - 9 इज 2। नाउ इन थर्ड कॉलम स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 12 एंड द बिगेस्ट वैल्यू फ्रॉम 12 इज 13, तो डिफरेंस हमारा क्या बन जाएगा 30 - 12 1। जब टैक्स लगा हुआ है तो ये हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 10, उससे बड़ी क्या है 15, तो यानी कि हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। तो अब हमारी जो स्टेप 4 है उसके बाद देखिए आप, हमारे पास जो पेनल्टी सबसे बड़ी दिख रही है वो दिख रही है मेरे को 5, यानी कि मैं इस 5 के थ्रू जाऊंगा क्वेश्चन में, और अब इस कॉलम में चेक करना है मुझे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मुझे दिख रही है 10। अब 10 पे देखो आपकी डिमांड कितनी आ रही है, 160 की आ रही है, सप्लाई कितनी है 145, तो मैं पूरा 145 यहाँ पे एलोकेट कर सकता हूँ, 145 मैं यहाँ पे एलोकेट करूंगा, जिसमें 145 दूंगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ कितना बचेगा बताया भाई कोई, 160 - 145 ये बचेगा हमारे पास 15, सही कर रहा हूँ भाई, ठीक। तो इतना हमारा हो गया, अब जैसे मेरा यहाँ पे जीरो हुआ है मुझे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है इसके ऊपर, ताकि मैं इसको आगे क्वेश्चन में यूज ना करूँ, ठीक है। एक डैश यहाँ पर जाएगा, एक डैश यहाँ आ जाएगा, हमारा एक डैश यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक। तो अब मुझे निकालनी है पेनल्टी P5। P5 के लिए मुझे फिर से वही चीज़ करनी है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट और उससे बड़ी कॉस्ट का डिफरेंस, यानी कि मुझे अब S3 में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू 11 है, उससे बड़ी वैल्यू 12 है, तो डिफरेंस क्या रहेगा मेरा यहाँ पर 1। अब फोर्थ रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 10, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 13, तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर भी मेरा डिफरेंस अभी 3 ही रहेगा। रिगार्डिंग कॉलम वाइज, फर्स्ट में देख लो क्या आ रहा है हमारे पास P5 पेनल्टी जो निकालने जा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 10, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 25, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 - 10 15, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है आप 11, और से बड़ी वैल्यू क्या है 10, तो 21 सॉरी, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 21 - 11, ये हो जाएगा हमारे सामने 10, ठीक। अब नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू 12, उससे बड़ी क्या है 13, तो 30 - 12 1। यहाँ पे डैश लगा है तो ये हमें यूज नहीं करना, ठीक है। अब इस कॉलम में आ जाओ D5 में, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बची मेरे पास 15, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 17, तो 17 - 15 ये बनेगा हमारे पास 2। तो सारी पेनल्टीज आ चुकी हैं। अब इस P5 स्टेज में हमारे पास जो बड़ी पेनल्टी है वो दिख रही है मेरे को 15। 15 मुझे चूज करनी है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना दो। अब 15 में मुझे जाके देखना है सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो इस 15 की करस्पॉन्डिंग जो हमारा फर्स्ट कॉलम D1 है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट इज 10, तो मुझे अब 10 पे एलोकेशन देना है। देखिए डिमांड कितनी आ रही है, डिमांड आ रही है 110 की, सप्लाई कितनी है 325, ठीक है। तो मैं 110 यहाँ पे डिमांड दे दूंगा, फुलफिल कर दूंगा इसको, ये मैंने दिया यहाँ पर 110, इसको जीरो किया, यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 215, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो ये मेरा अब यहाँ पे ये भी जीरो हो गया, तो मुझे अब यहाँ भी डैश लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डैश है उसको पहले डैश मार लो आप, ताकि आप गलती ना करो, यहाँ भी डैश लगा दो और यहाँ डैश लगा दो, और यहाँ एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दो ताकि आपको याद रहे, ठीक है भाई। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं P6 पेनल्टी, ठीक है। P6 की फिर से हम वही सेम काम करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू का डिफरेंस, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी क्या है 11, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 12, तो डिफरेंस आएगा हमारे पास यहाँ पे 1। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या बची हमारे पास, पहले 10 थी, अब चूंकि हट चुकी है वो, तो अब छोटी कॉस्ट जो बच रही है हमारी वो है 13, यानी कि 13 और से बड़ी कॉस्ट 17, डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब जैसे आपका 4 आ गया, यानी आपकी रो वाइज हो चुकी सारी पेनल्टीज, अब निकालनी है आपको कॉलम वाइज। कॉलम पर जाते हैं, फर्स्ट कॉलम हमारा ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड कॉलम से।
सेकंड कॉलम में देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है 11, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 21, यानी डिफरेंस क्या बनेगा हमारा 10। ठीक है भाई, उसके बाद जो हमारी अगला कॉलम है D3, यहाँ पे जवान सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 12, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 13, डिफरेंस बन जाएगा हमारा 13 - 12 1। यहाँ डैश लगा है यानी कि यहाँ हमें कैलकुलेट नहीं करना है। नेक्स्ट कॉलम आते हैं D5 में, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 15, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 17, 17 - 15 2। ठीक है, तो यानी कि हम लोग P6 जो हमारी स्टेप 6 था वो पूरा कर लिया है। अब इस स्टेप के बाद जो हमारे पास पेनल्टी बच रही है वो बच रही है 10, 1, 2, 1, 4। तो जो बिगेस्ट पेनल्टी है वो हमारे इसमें क्या है 10, यानी हम लोग इस 10 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे। जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन करे हैं वो लोग चैट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग 10 पे देखो देखेंगे इससे करस्पॉन्डिंग सबसे छोटी वैल्यू क्या हमारे सामने दिख रही है। सबसे छोटी वैल्यू हमारे सामने दिख रही है इसमें 11, तो यानी 11 पे हम लोग देखेंगे डिमांड कितनी आ रही है। अब देखो 11 पे हमारी डिमांड कितनी है, 10 की डिमांड आ रही है, सप्लाई कितनी है 90। तो हम लोग कितना देंगे यहाँ पर, मैक्सिमम एलोकेशन कितना सकता है हमारे पास सिर्फ 10, हम लोग यहाँ 10 देंगे। जैसे मैंने 10 यहाँ पे दिया ये हो जाएगा यहाँ पर 0। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 80। और जैसे ही हमारी ये 0 हो जाती है मैं इस रो को भी काट दूंगा। जैसे मैंने इस रो को काट दिया तो अब देखो मेरे पास अब डिफरेंस निकालने के लिए रो में कोई कॉलम में कोई भी अब एक्स्ट्रा रो नहीं बची है, तो यानी कि मुझे अब इसके बाद पेनल्टी नहीं निकालनी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आप सीधे स्टेप जो हमारा थर्ड रो बच सॉरी फोर्थ रो बच रहा है इसमें जो जो हमारे एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको मैं डायरेक्टली एलोकेशन देना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अब डिफरेंस निकालने के लिए रो या कॉलम नहीं बचे हैं। ठीक है, तो उसमें आप चाहे किसी से करो उसमें कोई रूल नहीं है, क्योंकि आपको सारा कंज्यूम करना है। ठीक है, तो मैं पहले देता हूँ 15 देता हूँ यहाँ पर, जो 17 है इसको देखो डिमांड कितनी 15 की है और सप्लाई कितनी है 215। तो मैं दूंगा यहाँ 15, यहाँ पर 15 दिया मैंने। सर आपने कहा था सर मिनिमम वाला लेना है। आप ले सकते हो उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि ये देखो लास्ट में सारे भरने हैं। अब देखो सब पे बचा हुआ है, यहाँ भी 80 है, 120 है, 15 है, तो आप चाहे छोटे दो बड़े दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। सर मैंने तो बट अगर हमारे 13 डिफरेंस आ रहा शायद। कोई इशू नहीं आएगा, आप 13 से करो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो आप क्योंकि हमारे पास जो डिमांड सप्लाई वो तो इक्वल है ना, आप ये देखो ना यहाँ भी 80 है, 120 है, 15 है, इसका सम देखो इसके इक्वल आएगा। जब मैंने 15 कर दिया या कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 200, ये 0 हो गया। उसके बाद क्या है, मैं करूँगा 120 दूंगा यहाँ पर, 120 दिया मैंने, आपने 120 दिया ना यहाँ पर, यस सर। तो उससे कोई अंतर नहीं आएगा, 120 दिया आपने यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा हमारे पास 80। देख रहे हो, इसलिए कह रहा था मैं। अब जो हमारे पास 80 बचा है यहाँ कितना बचा है 80, तो मैं 80 यहाँ दूंगा। जैसे मैंने 80 दिया यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0। अब देखो इसके करने के बाद मेरी सारी डिमांड सप्लाई 0 हो चुकी है, यानी क्वेश्चन मेरा हो चुका है बैलेंस्ड, खत्म हो चुका है कंज्यूम, सारी मैंने डिमांड सप्लाई यूटिलाइज कर लिए। तो अब जो मेरा अगला स्टेप है वो क्या है, मेरे को निकालना है टोटल कॉस्ट, वो निकालिए आप। इसमें जहां जहां आपने एलोकेशन कर रखा है उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको लिखना है इस तरह से 200 इंटू 8। चलिए भाई आप लोग बताइए कितनी वैल्यू आ रही है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 30 × 6। प्लस आपको ऐसे लिखनी होती है, ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म होने के बाद यहाँ पे आपका आएगा 145 × 10। उसके बाद 10 × 11। उसके बाद कहाँ लोकेशन है मेरा 10 × 10, यानी कि सीधे लगता हूँ डायरेक्ट 100। आप चाहो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, वरना आप जैसे मैंने बताया वैसे ले सकते हो 10 × 10। अगला क्या है 80 × 21, तो यहाँ लिखना मुझे 80 × 21, 80 × 21।
उसके बाद 120 × 13, 120 × 13, ठीक है, इसको क्या है 17 × 15, 17 × 15। अब इसमें एक जो है वो दिख रहा है आपको 0 × 140, इसको आप लिख दो क्योंकि आपने एलोकेशन दिया है, वो काउंट होगा आपका एलोकेशन में, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा 0 × 140। इसकी वैल्यू भले ही बाकी जीरो आए लेकिन आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपने एलोकेशन वहाँ पे दिया है। सौ वैल्यू बताइए भाई, क्या वैल्यू आ रही है? 7935 आ रही है। 7935। एक कोई और भी कोई चेक कर लो, मेरे पास आंसर नहीं है इसका, ताकि वेरीफाई हो जाए। एक आंसर मैं बता चुका है 7935। जो बच्चे क्लास में आए सभी बच्चे अपना नाम और नंबर लिखते हैं क्योंकि अटेंडेंस थोड़ी में इशू आ रहा है यहाँ पे, तो नाम तो कम आ रहे हैं यहाँ पे, बच्चे ज़्यादा हैं क्लास में, तो आप लोग अपना चैट बॉक्स में नाम और नंबर लिख दिए, ठीक है ना? क्वेश्चन आपका ये तो वेरीफाई करो भाई, 7935 वाला नहीं आ रहा सब लोगों का? भाई और किसी का आया नहीं है आंसर? ये आंसर ठीक है, मैं इसी को करेक्ट मान लेता हूँ, ठीक है ना? मैंने सॉल्व किया, ये वैल्यू आ रही है एक्यूरेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया IVFS, यानी कि हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया है। हमें चेक करना है कि जो सोल्यूशन मेरा आया है ये ऑप्टिमल है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, मोदी मेथड। बट मोदी मेथड अप्लाई करने से पहले हम लोगों को चेक करना होता है कि ये जो हमारे एलोकेशन आए ये इक्वल है या नहीं है। उसके मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला होता है हमारे पास m+n-1, ये आपका होना चाहिए इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस के, ठीक है ना? तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी आपके पास हैं, नंबर ऑफ रो आपके पास हैं 4 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5। यहाँ पे m आपका नंबर ऑफ रो करता है रिप्रेजेंट्स और n करता है नंबर ऑफ कॉलम। हम उसको सॉल्व करेंगे, 4+5 यानी कि 9, 9-1 8, तो यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो 8 आने चाहिए। अब काउंट करो आप कितना आपके एलोकेशंस हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, हमारे लोकेशंस पूरे हैं, यानी कि हम लोग इसको अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। अब मैं करता हूँ हम लोग आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, जिस तरह से टाइप कर रखा है, जो मैंने भी ऊपर हाथ से लिखा है, यहाँ पर कुछ गलत आ रही है, ये आपकी आएगी यहाँ पर 7935, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब आप इसको मोदी मेथड अप्लाई कर दोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आफ्टर मोदी मेथड एप्लीकेशन, ये आपकी वैल्यू आएगी 6865, ठीक है। अभी आपको होम असाइनमेंट है, इसको आपको ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता तो हम उसको फिर कल करेंगे, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला केस है, हमारे पास दो केस हो चुके हैं, थर्ड केस हमारा जो है वो है मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन भाई क्लास? मुझे लग रहा है मैं बिना क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई क्लास का? यस नो तो करते रहा करो भाई। यस सर।
आगे कर लोगे ना फिर मैं आगे बढ़ू? यस सर, करके देख रहे हैं। हाँ तो ट्राई करना, क्योंकि अगर नहीं करोगे फिर मैं कराऊंगा इसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है आज का, वो है हमारा मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपको क्वेश्चन हमेशा जो मिलता है वो मिलता है मिनिमाइजेशन का, ठीक है, कि आपको हमेशा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी है। बट कई बार प्रॉब्लम आपको दे रखी होती है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट की, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसको आप कैसे करोगे? तो इसके हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है, पहला क्या देखिए मतलब समझो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा अभी, ठीक है। मेथड क्या है कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है पूरे कॉस्ट मैट्रिक्स में, आप उससे बाकी एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ठीक है। ये इसमें दो तीन मेथड दे रखे हैं, क्योंकि दिया तो मैंने आपने डाल दिया पीपीटी में। आपको बस एक काम करना है कि जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आगे भी, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये जो दे रहा है, दिस इज द प्रॉफिट मैट्रिक्स, यानी कि ये जो वैल्यू दिखी है ये आपका प्रॉफिट है। तो आपको इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है आपको इस पूरी कॉस्ट मैट्रिक्स में, उससे बाकी सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको यहाँ पर, बिगेस्ट वैल्यू इज 20, तो आप 20 से बाकी सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द मिनिमाइजेशन, राइट। बात समझ आ रही है क्या बोला मैंने? रिपीट कर दे रहा हूं मैं, कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है मैक्सिमाइजेशन का, सिर्फ उस केस में ये अप्लाई करना है आपको, ठीक है। अदरवाइज जैसे प्रॉब्लम दे रखा है आपको सॉल्व वैसे ही करना है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन केस में ही आपको ये जो मैंने बताया स्टेप करना है, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है कि आपको जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है इस कॉस्ट मैट्रिक्स की, उसको बाकी सारे एलिमेंट से आपको माइनस करना है, यानी कि 20 लिखा हुआ है तो 20 को हम लोग बाकी एलिमेंट से माइनस कर देंगे, राइट। तो कैसे हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी कुछ बन जाएगी, इससे बन जाएगी। देखिए यहाँ पर आप सिर्फ ये वाली टेबल देखो, अभी ये वाली, ये आपकी टेबल बन जाएगी मिनिमाइजेशन की, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करा था, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी आपकी वो थी आपकी 20, तो 20 को मैं आप देखो फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा मैं, 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा 5, 20 माइनस 17 कितना जाएगा यहाँ पर 3, 20 माइनस 12 कितना जाएगा 8, 20 माइनस 11 यहाँ आ जाएगा आपके सामने 9, और 20 माइनस 11 9। और यहाँ पे देखो जो मैंने एक डमी रो इसमें ऐड कर रखी, क्योंकि हमारी डिमांड सप्लाई बैलेंस नहीं थी, तो 0 प्लस 20 कितना हो जाएगा 20 माइनस 0, यानी कि मुझे यहाँ पर अब 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पहले मेरा 0 आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही मैं सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दूंगा जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है इस प्रॉफिट मैट्रिक्स की, तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो बन जाएगी बैलेंस्ड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और जैसे हमारी ये प्रॉब्लम ये मिनिमाइजेशन की बन जाएगी, तो उसके बाद मेरे पास वही पांचों मेथड है, उन पांचों मेथड से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि आपको वैम से करना है तो आप वैम से करिए, अदरवाइज ये किसी और मेथड से कह रखा है तो आपको उसको मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके पास चॉइस है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो पूछ लो मुझसे एक बार, मैं फिर आगे बढ़ पाऊंगा। कोई डाउट है बेटा इसमें? ठीक है, तो कर लोगे। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं वैम से, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा आगे, आपको स्टार्ट करो मेरे साथ। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से P1 निकालेंगे, तो मैंने टाइप नहीं किया है, ऐसे करते हैं। ये हो गया हमारा P1। P1 क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू का डिफरेंस। आई थिंक कर लोगे आप लोग, ट्राई करो साथ में। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 3, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 5, तो 5 माइनस 3 यानी कि डिफरेंस बन जाएगा मेरा 2। उसके बाद देखो नेक्स्ट रो में देखो, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 5, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी क्या दिख रही है मेरे को 11, तो 11 माइनस 5 हो जाएगा 6, ठीक है। फिर थर्ड रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 0, और 0 से बड़ी क्या है 4, तो 4 माइनस 0 4, मेरी फर्स्ट पेनल्टी हो गई। ऐसे निकालूंगा मैं कॉलम वाइज, कॉलम में देखो फर्स्ट क्या है मेरे पास 6 है, सॉरी 5 है, उससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है 6 माइनस 5 1, उसके बाद 3 माइनस 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट जो कॉलम है कॉलम 3, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 4, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 8, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 4। फोर्थ कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 5 0,
उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 5। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0 5। नेक्स्ट देखो जो कॉलम हमारे पास फिफ्थ कॉलम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मेरे को 9, सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है 10, तो 10 माइनस 9 ये बन जाएगा 1। तो अब फर्स्ट स्टेप के बाद जो मेरे पास जो सबसे बड़ी पेनल्टी है वो दिख रही है मेरे को 6, तो 6 मुझे अब चूज करना है और इसी कॉलम में जाना है और चेक करनी है सबसे छोटी वैल्यू क्या है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मेरे को वो दिख रही है 5। तो 5 पे देखो डिमांड कितनी आ रही है 39 की, सप्लाई कितनी आ रही है 190 की। तो मैं यहाँ देखूँगा 39 कि मैंने एलोकेट किया यहाँ पर, और यहाँ कर दूंगा मैं 0। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 190 माइनस 39 कितना बचेगा, 151। ठीक है भाई, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 0। अभी क्लाइंट खींच दो यहाँ पर कि मुझे अब इसे आगे यूज नहीं करना है, यहाँ लगा दो एक डैश छोटा सा। ठीक है, अब निकालते हैं P2 फिर से वही काम करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू का डिफरेंस, यानी कि 5 माइनस 3 ये हो जाएगा आपके सामने 2। यहाँ पे देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है, पहले 5 थी, अब हो जाएगी आपकी वैल्यू 11, तो 30 माइनस 11 ये बन जाएगा आपके सामने 2। ठीक, अब थर्ड रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू अभी हमारी 4 है और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस 4 डिफरेंस इज 1। P2 में आ जाइए, अब निकालते हैं कॉलम वाइज। इस वाले कॉलम में देखो जो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 5, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा डिफरेंस 1। सेकंड कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है मेरे सामने 3, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 5, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि डिफरेंस इज 2। अब उसके बाद अगले उसमें आ जाइए, थर्ड कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 8, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 4 और 8, तो डिफरेंस कितना आएगा 8 माइनस 4 यहाँ पर जाएगा 4। यहाँ पर डैश लगा रखा है तो इसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है। फिफ्थ कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू 9 और उससे बड़ी वैल्यू 10, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 माइनस 9 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ी पेनल्टी है वो दिख रही है मेरे को 4, यानी कि मुझे 4 के करस्पॉन्डिंग जाना है इस कॉलम में और देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है मेरे को यहाँ पर 4। तो अब देखो 4 पर डिमांड कितनी आ रही है 69, सप्लाई कितनी है 115, तो मुझे अब यहाँ पर देना है मैक्सिमम लोकेशन जो कि पॉसिबल है 69। ठीक है, 69 मैंने दिया यहाँ पर, जैसे मैं 69 दूंगा ये हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ बचेगा मेरे पास 115 माइनस 69, ये आ जाएगा आपके सामने 46। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास स्टेप 3 है, हमें निकालना है P3। अब P3 में देखो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हमारा ये 0 हुआ है उससे भी हमें एक लाइन खींच देनी है ताकि हम इसे आगे यूज ना करें। P3 में देखो डिफरेंस क्या आ रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू का और बड़ी वैल्यू का, 5 माइनस 3 यानी कि डिफरेंस हमारा रहेगा यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 15 माइनस 11। यहाँ पे तो 13 भी है, तो इससे बड़ी वैल्यू जो हमारी है 11 और 13, तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा 13 माइनस 11 यानी कि डिफरेंस रहेगा हमारे पास 2 का। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 5 है और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो डिफरेंस कितना रहेगा हमारे पास 1। मैं P3 को यहाँ लिख दे रहा हूँ उसके आगे क्योंकि हमारा स्पेस नहीं बचा है। अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे सामने है 6, और से बड़ी वैल्यू क्या है 5, तो 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 3 और 5, तो डिफरेंस रहेगा हमारे सामने 2। अब यहाँ पे हमारे सामने डैश लगा हुआ है तो मैं इसे कैलकुलेट नहीं करना है, 2 डैश आ जाएंगे, यानी कि लास्ट कॉलम देखते हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 9 और 10, तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1। तो अब हमारे पास फिर से टाई हो गया है, हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हैं 2, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी भी हैं और सेम भी हैं। तो अब हमें चूज़ करना है इन सबसे बड़ी पेनल्टीज में कौन सी पेनल्टी को हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले इन सारी पेनल्टीज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है मेरे को। तो फर्स्ट स्टार्ट से करते हैं इस वाले 2 से, इस 2 के करस्पॉन्डिंग जाते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है मेरे को यहाँ पर 3। अब 3 मुझे मिल रही है यहाँ पर, देखो लिख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट में मिल रही है मेरे को 3। अब जो सेकेंड वाला 2 है ये वाला, इसके देखने का करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मेरे को 11, यानी कि यहाँ पे मिल रही है मेरे को 11, ये केस कल भी आया था हमारे सामने।
अब जो थर्ड टू है वो हमारे पास ये वाला है, अब देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग हमारे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, थ्री। तो यानी कि यहाँ पे फिर से टाई हो गया फर्स्ट और थर्ड में, ठीक। अब दोनों हमारा टाई हो चुका है, तो अब देखना पड़ेगा मेरे को कि मैक्सिमम एलोकेशन मुझे कहाँ मिल रहा है। अब चूंकि चांस की बात है, ये दोनों ही हमारे टू कॉन्साइड कर रहे हैं, एक ही वैल्यू थ्री है, तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ रेंडमली। अगर हमारे टू अलग अलग होते तो मुझे देखना पड़ता कि मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ मिल रहा है। अब चूंकि आप चाहें ये वाला टू लो या फिर फर्स्ट वाला टू लो, दोनों में आपको ये थ्री लेना है, तो आप किसी भी एक को ले सकते हो। मैंने इसे टू को मान लिया रेंडमली, मैं इसे चूज कर ले रहा हूँ। अब देखो इससे करस्पॉन्डिंग थ्री की जो डिमांड कितनी है, 94 है, सप्लाई कितनी है 140, तो मैं 94 मैक्सिमम एलोकेशन दूंगा यहाँ पर। 94 मैंने यहाँ एलोकेशन दिया, 94 देते ही ये हो जाएगा जीरो, ये कितना बचेगा 140 माइनस 94, ये बचेगा आपके सामने 46, यहाँ 46 आ गया। ये जैसे 46 आ गया, यहाँ पे जीरो हो चुका है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यानी कि मुझे अब P4 वाले केस में यहाँ पे कोई भी एलोकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो P4 निकालते हैं, इसके बाद P4 देखिए, P4 में अब सबसे छोटी वैल्यू हमारे सामने दिख रही है, वो दिख रही है मेरे को 5 और 9, तो डिफरेंस दोनों क्या आ जाएगा 9 माइनस 5, यानी कि ये हो जाएगा 4। सेकेंड लोरो में आ जाइए, इसमें हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट हमारे पास 13 और उससे बड़ी है 15, तो 15 माइनस 13 ये हो जाएगा हमारे सामने 2, ठीक है भाई। अब थर्ड रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 6 और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस 6 ये हो जाएगा हमारे सामने 4, ठीक। तो ये रोवाइज हो गई। अब निकालते हैं कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 6 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ चूंकि 0 हो चुका है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डैश डैश और ये डैश, इन तीनों मुझे पेनल्टी काउंट नहीं करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा यहाँ पर P5 की करस्पॉन्डिंग पेनल्टी, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू 9 है, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस 9 ये हो जाएगा 1। तो अब देखो हमारे पास जो सबसे बड़ी पेनल्टी दिख रही है वो दिख रही है 4, यानी कि 4 मुझे चूज करना है जो कि बिगेस्ट पेनल्टी है। अब इस बिगेस्ट पेनल्टी की करस्पॉन्डिंग जाऊँगा मैं इस रो में और चेक करूंगा सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो दिख रही है मेरे को यहाँ पर 5। अब इस 5 पे डिमांड कितनी आ रही है, डिमांड आ रही है 74 और सप्लाई कितनी आ रही है 46, यानी मैं मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो कितना कर सकता हूँ यहाँ पर, मैक्सिमम एलोकेशन इज पॉसिबल 46 ओनली, 46 मैंने दिया यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा 74 माइनस 46, कितना आएगा भाई 28, ठीक है। तो अब आपका जैसे यहाँ पे ये जीरो जाता है, एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ भी, ताकि आपको यहाँ भी पेनल्टी ड्रॉ, यानी आपको पेनल्टी यहाँ कैलकुलेट नहीं करनी है। तो लास्ट स्टेप आपका ये P5, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे स्क्रीन पे, ठीक है भाई। तो अब ये हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पर P5 के लिए, हमारे पास सिर्फ दो रो बची हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को यहाँ पर 15 और 13, तो डिफरेंस कितना आएगा 15-13 का, यहाँ आ जाएगा डिफरेंस 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 माइनस 6, डिफरेंस इज 4, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस 4, ठीक है। अब जो हम लोग निकालेंगे कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम में देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 माइनस 15, यानी कि ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग 9। सेकेंड में हमारा डैश लगा हुआ है क्योंकि हमारे पास यहाँ 0 हो चुका है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। अब हम लोग निकालेंगे फिफ्थ कॉलम के लिए डिफरेंस कितना आ जाएगा 13 माइनस 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारे सामने 3। अब देखो हमारे पास पेनल्टी है 2, 4, 9 और 3, जब से बड़ी पेनल्टी हमारे सामने क्या है 9, तो हम जाएंगे यानी कि इस कॉलम में, अब चूज करेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे सामने दिख रही है 6, डिमांड कितनी है 28, सप्लाई कितनी है 48, तो मुझे देंगे यहाँ पर 28 देंगे एलोकेशन, यहाँ पर 28 देते ही ये हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 0, और जो यहाँ पर ये हमारा 46 है, तो ये 46 माइनस 28
46 माइनस 28 ये बचेगा हमारे सामने 18, ठीक है, ये हो गया हमारे सामने 18 और ये हमारा हो गया खत्म कॉलम, ठीक है भाई। तो अब आप देखो आपके सामने चारों जो आपके कॉलम थे खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब आप जो है और पेनल्टी आगे नहीं निकाल पाओगे, यानी कि जो हमारे बचे हुए हैं हम लोग उन्हीं में से इसको हम लोग बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास सामने क्या बच रहा है, हमारे सामने बच रहा है 13 और 10, तो आप इसको करस्पॉन्डिंगली दे सकते हो। 13 में डिमांड कितनी हमारी आ रही है, 119 की, सप्लाई कितनी है 151 की, तो हम लोग यहाँ पे 13 के आगे देंगे, नहीं अभी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, डमी रोमा बचा हमारे पास है, ठीक है, अभी हम लोग एक पेनल्टी और निकाल सकते हैं। हम लोग इसमें एक पेनल्टी और निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जो डमी वाला है हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा 0-0 आ रही थी, वो मैंने अभी काउंट किया यहाँ पे, ये आपकी अभी 0-0 आ रही है। तो हम लोग अब निकालेंगे यहाँ पर P6 निकाल सकते हैं, मैं थोड़ा इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ P6 ताकि आपको याद रहे, P6 पेनल्टी हमारी ये है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो बच रही है हमारे पास 13 और उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास बच रही है 20, तो 20 माइनस 13 ये हो जाएगा हमारे पास 7। कुछ कह रहे हो क्या सर? क्विज आया है, क्विज आ गया, चलिए क्विज ट्राई करिए। वैसे क्विज भी बहुत सिंपल दिया है मैंने, ट्राई करो आप लोग। यस सर, वो कर रहे हैं, चलिए ट्राई करिए उसको। आपको मैंने आज क्विज थोड़ा सा सब्जेक्टिव दिया है, आपको उसको सॉल्व करना है। अभी तक क्या था, आपके क्विज आ रहे थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो अब जो है आपको जो क्विज है वो सॉल्व करना है एज सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, तो ट्राई करिए आप लोग। ये था क्विज आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये वाला दिया है, आपको उसको सॉल्व करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आपको याद होगा, इसको हम लोग बोलते थे अपर लेफ्ट कॉर्नर मेथड आल्सो, ठीक है, तो आपको इसको अपर लेफ्ट कॉर्नर पकड़ के चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, रुपीज वगैरह कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे अपनी वैल्यू लिखनी है 100, 200 जो भी आपकी वैल्यू आ रही है। बेटा सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम रूप में जो लिख दीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाए, अभी कई बच्चों ने लिखा नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, सबसे पहला स्टेप आपका है कि इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है क्वेश्चन बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही स्टार्ट करना आप लोग।
प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में? क्योंकि भाई किसी को दिक्कत आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, पूछ लो अभी। शुभम कश्यप, सौरभ, तनुज, विनीत। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, दस मिनट और आपके पास, 140 तक रहेगा आपके पास क्वेश्चन, फिर इसको आप सबमिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 140 से पहले पहले आपको अपना आंसर सबमिट करना है, और जो भी आपकी वैल्यू आएगी बस आपको यहाँ पे वैल्यू टाइप करनी है अपनी। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, 100, 200, 300, व्हाटएवर। सर लीव कर दें।